हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम ईएमएमसी ट्रेनिंग का लेसन वन स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहली वीडियो में आज बात करने वाला हूं मैं व्हाट इज ईएमएमसी, ईएमएमसी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईएमएमसी एक तरह की स्टोरेज डिवाइस होती है, जैसे हमारी हार्ड डिस्क होती है, एसएसडी होती है, पेन ड्राइव होती है, एसडी कार्ड होती है, उसी तरह से ईएमएमसी भी एक एक तरह का स्टोरेज होता है, स्टोरेज डिवाइस होती है। लेकिन ये जिस भी डिवाइस पर लगी होती है, जैसे मोबाइल है, टैबलेट है, तो इनके ये मदरबोर्ड पे फिक्स्ड होती है, जिस तरह से आप ये फोटो में देख पा रहे हैं। तो वो ईएमएमसी बोर्ड के ऊपर फिक्स होती है। और ईएमएमसी का ज्यादातर यूज अभी एंड्रॉयड फोन में, एंड्रॉयड टैबलेट में, और अब कुछ जो स्मार्ट टीवी आ रहे हैं उसके अंदर भी ईएमएमसी का यूज हो रहा है, और कुछ गैजेट्स के अंदर भी इसका यूज हो रहा है। और देखिए, जिस तरह से मैंने अभी बताया कि हमारी हार्ड ड्राइव होती है, पेन ड्राइव होती है, एसएसडी होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो उस तरह से ये ईएमएमसी होती है, और ये जो है बोर्ड पर फिक्स्ड होती है। तो ये देखिए, जैसे मैं भी आपको सैंपल दिखाता हूँ, ये सैमसंग का मदरबोर्ड है, ये J200F, ये जो है इसके अंदर ये ईएमएमसी बोर्ड के ऊपर लगी हुई है। तो ये इस तरह से लगी होती है, और ये प्रोसेसर है। और ईएमएमसी के अंदर लॉजिकली दो पार्टीशन होते हैं, इसके अंदर रैम और रोम दोनों होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि किसी फोन के अंदर 1 GB रैम है और 8 GB की रोम है, या 2 GB की रैम है और 16 GB की उसके अंदर रोम है, तो इसके अंदर एक ही चिप के अंदर रैम और रोम दोनों होती है। और ये साथ में देखिए उसके प्रोसेसर लगा हुआ है। और ये देखिए, कुछ सैंपल मैं आपको और बताता हूँ। ये Realme 2 फोन है, ये देखिए इसके अंदर भी जो यहाँ पर है ये इसकी ईएमएमसी लगी हुई है, और यहाँ पर ही Qualcomm का उसका प्रोसेसर लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये A3S मॉडल है, और इसके अंदर भी आप देखिए यहाँ पर ईएमएमसी लगी हुई है, और ये इसमें Qualcomm का इसका प्रोसेसर लगा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले से जो फोन आते थे उसके अंदर इस तरह से ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो रैम और रोम दोनों अलग लगी हुई, इन्हें NAND कहते हैं। ईएमएमसी के पहले जितने भी जो कीपैड वाले फोन होते थे, जो फ्यूचर फोन जिन्हें कहते हैं, या ज्यादातर चाइना के जो फोन होते थे, और उनके अंदर मतलब रैम और रोम दोनों अलग हुआ करती थी। स्टार्टिंग के तो सभी फोन के अंदर रैम और रोम दोनों अलग हुआ करती थी। ये देखिए आप इसमें देखेंगे तो रैम और रोम अलग लगी है, उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसर लगा हुआ है। और एक दो सैंपल मैं आपको और बताता हूँ फ्यूचर फोन के। ये देखिए, जैसे कि ये वाला जो है ये भी बहुत पुराना मॉडल है, एरिक्सन कंपनी का, इसके अंदर भी आप देखेंगे तो ये प्रोसेसर लगा हुआ है, साथ में रैम और रोम लगी हुई है। तो इस तरह से ये अलग हुआ करते थे पहले। लेकिन जो ईएमएमसी होती है उसके अंदर रैम और रोम दोनों को इनबिल्ट किया हुआ है। और ये देखिए, मैं आपको कुछ बोर्ड पर सैंपल दिखाता हूँ। ये जो है ये ईएमएमसी है, और ये प्रोसेसर, ये देखिए बोर्ड से रिमूव किया हुआ। यहाँ पर ईएमएमसी जो थी ये फिक्स थी, बोर्ड के ऊपर लगी हुई थी ये। इसे ये जो बॉल्स हैं, इसे बीजीए बोलते हैं, तो ये बीजीए से जो है किसी भी बोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है। मैं आपको कुछ सैंपल और इसके दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ये यहाँ पर ये ईएमएमसी बोर्ड से निकाली, और जो नीचे ये आपको बॉल्स दिख रही हैं इन्हें बीजीए बोलते हैं। तो ये एक एसएमडी डिवाइस होती है, मतलब एसएमडी बोलते हैं, मतलब सरफेस माउंट, तो ये बोर्ड पर लगी हुई होती है। और जो नॉर्मली हमारी स्टोरेज होती है, जैसे हार्ड डिस्क या एसएसडी, इन्हें केबल के थ्रू या कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। एसडी कार्ड होती है, उसके सॉकेट में लगती है। लेकिन फोन के अंदर जो ईएमएमसी यूज होती है वो इस तरह की बीजीए होती है, उसे जो है सोल्डर मशीन की मदद से इसे बोर्ड पर लगाया जाता है। ये देखिए, इस पर लगाने के पहले इस तरह से बीजीए वर्क करना पड़ता है, मतलब इसके बॉल बनाना पड़ते हैं। ये देखिए, ये इसकी एसएमडी मशीन होती है जिससे हम इसे मतलब इसके ऊपर बॉल का वर्क करते हैं, और इसके लिए हमें हार्डवेयर स्किल भी होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने ईएमएमसी के ऊपर, ये मेरा पहला लेसन है, तो इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसमें आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्किल दोनों की जरूरत होती है। और हार्डवेयर स्किल में हमें जैसे एसएमडी ब्लोअर मशीन, और जो ये सोल्डर आयरन है ये होता है, और इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ये बारीक काम होता है, तो उसके लिए माइक्रोस्कोप जरूरत होती है। अगर आपकी स्किल अच्छी है
तो बिना उसके भी आप इसे कर सकते हैं। और ये स्टेंसिल होती है जिसकी मदद से हम इसके ऊपर बीजीए का काम करते हैं, और हर आईसी के अंदर अलग अलग बॉल्स होती हैं। जैसे ये देखिए बीजीए 221, अगर आप इसकी बॉल्स को गिनेंगे तो ये 221 निकलेंगी, बीजीए 153। ऐसे हर एमएमसी का अलग अलग इसके अंदर बीजीए नंबर होता है। और इसके हम बात करें तो ये देखिए, ये जो है ये बीजीए सोल्डरिंग पेस्ट होता है जिसकी मदद से बॉल बनाई जाती है। और अब हम बात करेंगे इसके सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो ईएमएमसी की प्रोग्रामिंग करने के लिए या इसके ऊपर सॉफ्टवेयर वर्क करने के लिए हमें इस तरह से ईएमएमसी बॉक्स की जरूरत होती है, फ्लैशिंग डिवाइस की जरूरत होती है, जिनमें सबसे ज्यादा इजी जेटेक प्लस और यूएफआई चलता है, और उसके अलावा ईएमएमसी प्रो है, और बहुत सारे डिवाइसेस हैं, देखिए रिप बॉक्स है, जिसकी मदद से इनके ऊपर सॉफ्टवेयर काम किया जाता है। और मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहूंगा कि किसी भी ईएमएमसी को कनेक्ट करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो जो बीजीए सॉकेट होता है जिसके अंदर आईसी को लगाया जाता है, ये देखिए ये बीजीए एडाप्टर है, इसके अंदर हमें आईसी को जो है बोर्ड से निकाल करके और उसकी जो है बीजीए बॉल बना करके सॉकेट के अंदर लगा करके और फिर इस डिवाइस में कनेक्ट करके उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। और उसके अलावा कनेक्ट करने का एक आईएसपी होता है, देखिए ये इसको आईएसपी एडाप्टर बोलते हैं। किसी भी पीसीबी को डायरेक्टली अगर आप, जैसे आपकी बीजीए की स्किल नहीं है तो आप आईएसपी के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, अगर उसके आईएसपी पिनआउट अवेलेबल है तो। यहाँ पर देखिए आईएसपी पिनआउट के लिए हमें 6 पॉइंट पर जम्पर लगाना होते हैं, जैसे डेटा 0, सीएमडी, सीएलके, ग्राउंड, वीसीसी और वीसीसीक्यू। ये 6 पॉइंट लगाना बहुत जरूरी होते हैं। और ये किस तरह से जंपरिंग इनकी की जाती है मैं आपको कुछ पिनआउट बताता हूं। और देखिए ये देखिए इस तरह से, जैसे सैमसंग का J210F आईएसपी पिनआउट है, ये मैंने खुद ने ही जो है मेरी वेबसाइट पर इसे शेयर किया था। ये देखिए इस तरह से, जैसे ग्राउंड का जंपर यहां लगाना होगा, सीएलके का यहां लगाना होगा, वीसीसी के ऊपर 2.8 वोल्ट आते हैं, डेटा 0, उसके बाद में सीएमडी और ये वीसीसी के ऊपर 1.8 वोल्ट आते हैं। इस तरह से मैं आपको कुछ और मॉडल के बताता हूँ। देखिए जैसे सैमसंग J500F का पिनआउट है, आईएसपी पिनआउट, उसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो ये देखिए रेडमी 6 प्रो का आईएसपी पिनआउट है। तो इस तरह से आप जिस भी कंपनी के या जिस भी फोन के अगर आपको आईएसपी पिनआउट मिल जाते हैं तो आप इसमें बिना बीजीए वर्क के डायरेक्टली आप आईएसपी एडाप्टर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनके भी अगर आपको आईएसपी पिनआउट नहीं मिलते हैं तो आपको उन आईसी को बोर्ड से बाहर निकाल करके उसकी बीजीए किट के थ्रू बॉल बना करके, जो मैंने अभी आपको बताया स्टेंसिल से और सोल्डरिंग पेस्ट से, उसके बाद में आपको बीजीए सॉकेट के अंदर आईसी को लगा करके आप किसी भी फ्लैशिंग डिवाइस से इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं इसके ब्रांड के ऊपर कि कौन कौन सी कंपनी की आती है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो होती है एसके हाइनिक्स की आती है ईएमएमसी, उसके बाद में फिर जो है सैमसंग की ईएमएमसी आती है, और इसके बाद में तोशिबा होती है, और ये देखिए ये तोशिबा की है, और उसके बाद किंगस्टन की भी आती है और माइक्रोन्स की आती है। पर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो ईएमएमसी होती है वो सैमसंग और तोशिबा की होती है, उसके बाद में जो होती है एसके हाइनिक्स की होती है, और एसके हाइनिक्स ज्यादातर चाइनीज फोन के अंदर आती है क्योंकि ये थोड़ी सस्ती होती है। सैमसंग की और जो तोशिबा की ईएमएमसी होती है वो थोड़ी हैवी भी होती है और कॉस्टली भी होती है। देखिए इसके अलावा एलपीडा की भी आती है, और ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिसकी ईएमएमसी जो है मार्केट में अवेलेबल होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ईएमएमसी के बारे में बताया कि ये एक तरह का स्टोरेज डिवाइस होता है जो बोर्ड पर फिक्स होता है। इसके बाद में इसके लिए हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्किल दोनों होना चाहिए। हार्डवेयर स्किल के लिए हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि एसएमडी सोल्डरिंग मशीन, सोल्डर आयरन, बीजीए पेस्ट और स्टेंसिल जिसकी मदद से हम बॉल बनाते हैं। ये तो हुई हार्डवेयर स्किल की बात। और इसके लिए सॉफ्टवेयर स्किल में हमें सभी तरह के जो फ्लैशिंग बॉक्स होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि यूएफआई और इजी जेटेक, ये सबसे बेस्ट बॉक्स हैं, यूएफआई और इजी जेटेक, और इसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर का काम इसके ऊपर कर सकते हैं। और अगर इन केस आपकी किसी तरह से कोई ईएमएमसी डैमेज हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया कि ये देखिए
इसमें आप किसी भी सॉफ्टवेयर बॉक्स की मतलब फ्लैशिंग बॉक्स की मदद से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसका लॉक खोल सकते हैं, किसी भी फोन का डाटा रिकवर कर सकते हैं या डाटा बचा करके आप लॉक खोल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर स्किल दोनों ही होना चाहिए। ये मोबाइल रिपेयरिंग का थोड़ा सा एडवांस कोर्स होता है जिसके ऊपर मैं टोटल 30 लेसन बनाऊंगा और आपको डिटेल में पूरा बताऊंगा कि किस तरह से आप ईएमएमसी के ऊपर काम कर सकते हैं। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊंगा कि कभी अगर ये चिप जो होती है ये फिजिकली डैमेज हो जाती है, मतलब ये अगर आईसी खराब हो जाती है या निकालने में डैमेज हो जाती है तो उसे हमें सेम नंबर की रिप्लेस करना होती है। तभी भले वो कंपनी की कोई और हो, जैसे एसके हाइनिक्स का कोई डैमेज हुई तो आप सैमसंग की लगा सकते हैं, लेकिन उसका आईसी का कॉन्फिगरेशन सेम होना चाहिए तभी आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ पुराने फोन के अंदर एनएनडी आईसियां आया करती थी, देखिए जिसमें रैम और रोम अलग होती थी, और इसके अंदर जो है लॉजिकली दो पार्ट होते हैं कि रैम और रोम इसके अंदर एक ही करी हुई। अब इसके पास जैसे इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसे यूएफएस कहा जाता है, तो ईएमएमसी के बाद अभी यूएफएस चल रहा है, ये थोड़ा सा और एडवांस लेवल का है। खैर इसके ऊपर मैं आपको बाद में अलग से चैनल बना करके बता दूंगा, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया कि ये ईएमएमसी का मेरा पहला लेसन है जिसमें मैंने आपको बताया कि ईएमएमसी क्या होती है और इसके ऊपर आप किस तरह से काम कर सकते हैं। आगे आने वाले लेसन में आपको और डिटेल में मैं इसके आगे के बताऊंगा कि हम कैसे इसमें काम कर सकते हैं, कैसे इसमें लॉक खोल सकते हैं, कैसे डेटा रिकवर कर सकते हैं, कैसे डेटा बचा करके हम किसी का लॉक खोल सकते हैं, वो सभी मैं आपको इसके पूरे लेसन में बताऊंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।